हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल का वीडियो लाया हूँ, जिसमें मैं आपको 10 ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगा जो आपको शायद ही पता हो और जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी और आपके लिए बहुत ही टाइम सेविंग होगी। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं वो साइट्स कौन सी है। अरे एक मिनट एक मिनट, इतनी जल्दी भी क्या है। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं बट उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों, मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड दोस्तों, कमेंट बॉक्स को खाली मत रहने दिया करो यार। मतलब वीडियो अच्छा लगे तो कुछ कमेंट करो, कुछ तो कमेंट करो, अच्छा बुरा जो भी कुछ भी कमेंट करो, पर करो। और हाँ यार, वीडियो लाइक कर दिया करो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, देखते हैं हमारी टॉप 10 वेबसाइट्स। दोस्तों, हर कोई YouTube ज़्यादातर यूज़ करना चाहता है क्योंकि YouTube पे वो कोई भी वीडियो आसानी से ढूंढ सकता है। तो दोस्तों, YouTube से वीडियो डाउनलोड करने में लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ये साइट लाया हूँ, catchvideo.net। इस पर दोस्तों आप आराम से अपने वीडियो का URL डालिए और उसको किसी भी फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बचता है और दोस्तों ये काफ़ी यूज़फुल भी है क्योंकि अक्सर लोग YouTube ज़्यादा प्रेफर करते हैं दूसरे वीडियो ऐप से। दोस्तों, 9 नंबर पर जो साइट आती है वो है गूगल एक्टिविटी। दोस्तों, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि गूगल कैसे आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है। दोस्तों, आप चाहें तो इस डेटा को अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो भी है। एंड दोस्तों, मुझे ये लगता है कि ये ज़रूरी भी है बिकॉज़ इट इज़ अबाउट आर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी एंड वी शुड बी कंसर्न अबाउट दिस। दोस्तों, 8 नंबर पर जो साइट आती है उसका नाम है फाइल शेफ। दोस्तों, अक्सर आपको कोई फाइल डाउनलोड करनी होती है तो आप उसे गूगल करते हो और कई जगह सर्च करते हो और टाइम वेस्ट करते हो, बट दोस्तों फाइल शेफ ऐसी साइट है जहाँ पे आपको कोई भी फाइल मिल जाती है, चाहे वो MP3 हो, मूवी हो या PDF फाइल हो, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अगर दोस्तों आपको फाइल फाइल शेफ पे भी नहीं मिलती है तो आपको मजबूरन टोरेंट करना पड़ेगा, बट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि फाइल आपको फाइल शेफ पे मिल जाएगी। दोस्तों, आपको बस सिंपली जाके फाइल शेफ पे कोई भी फाइल सर्च करनी है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे नारुतो शिपुडन चाहिए था, तो दोस्तों मैंने उसे सर्च कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि इसके कितने ज़्यादा सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं। दोस्तों, मैंने इस एपिसोड पर क्लिक कर लिया, मुझे ये एपिसोड डाउनलोड करना है। और दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट हो गया, ये पूरी तरह वर्क कर रहा है, इसमें कोई भी खराबी नहीं है। तो दोस्तों, आप इस साइट को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक अच्छी सी CV तैयार करना चाहते हैं और वो भी बिना टाइम वेस्ट किए, तो आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। ये वेबसाइट बिल्कुल ऐड फ्री है। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे सुंदर पिचाई की CV तैयार कर रहा हूँ। वैसे मुझे अपनी CV तैयार करनी थी बट मैं सैंपल के तौर पे सुंदर पिचाई की CV तैयार कर रहा हूँ। दोस्तों, मैंने उसमें सारी डिटेल्स भर दी है, क्वालिफिकेशन भर दी है और डिग्री भर दी है, कॉलेज भर दिया है। दोस्तों, आप इस CV को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से फॉन्ट्स को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अभी आपको ये करके दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, आप चाहें तो फॉन्ट्स को यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आप टेक्स्ट का साइज़ भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो इसका लेआउट भी बदल सकते हैं, पर दोस्तों मैंने उसे यहाँ वीडियो में करके नहीं दिखाया है, पर दोस्तों अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और दोस्तों, आप चाहें तो टेक्स्ट का कलर भी बदल सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये ग्रीन कर दिया। दोस्तों, यहाँ पे 5-6 कलर्स हैं, आप किसी भी कलर को चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ब्लू नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, और पिंक तो बिल्कुल नहीं, ऑरेंज डिसेंट है, हाँ ब्लैक परफेक्ट है, ब्लैक ही होनी चाहिए CV वैसे। दोस्तों, ये नहीं है, वीडियो डाउनलोड हो चुका है, मुझे मिल नहीं रहा अभी, नहीं है ये फाइल तो नहीं है। दोस्तों, मैं वीडियो ढूंढ रहा हूँ अभी, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मुझे वीडियो ढूंढनी पड़ेगी।
दोस्तों मुझे यहाँ पे फाइल मिल गई है, सुंदर पिचाई की स्माइल काफ़ी अच्छी है दोस्तों। मैंने ये फाइल खोल ली है दोस्तों, आप देख सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है दोस्तों। ये रही सीवी दोस्तों। 6 नंबर पे जो साइट आती है उसका नाम है फीडली दोस्तों। मान लीजिए आपको ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ना पसंद है, और दोस्तों आप ये इसलिए भी करते हैं क्योंकि आप अपनी नॉलेज ग्रो करना चाहते हैं दोस्तों। मान लीजिए अगर मुझे अपनी टेक नॉलेज बढ़ानी है या मुझे टेक आर्टिकल्स पढ़ना पसंद है, तो दोस्तों फीडली पे आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी के आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं दोस्तों। मान लीजिए मैंने टेक सेलेक्ट कर लिया है, तो दोस्तों ये मुझे टेक आर्टिकल के सारे पेजेस दिखाएगा, और मैं चाहूँ तो उन पेजेस को फॉलो कर सकता हूँ। और दोस्तों जब भी उन पेजेस पे कोई नया आर्टिकल अपलोड होगा, कोई भी टेक आर्टिकल अपलोड होगा, तो दोस्तों मुझे उस आर्टिकल की नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएगी, और दोस्तों मैं कभी भी जाकर उस आर्टिकल को ब्राउज़ कर सकता हूँ, उसको पढ़ सकता हूँ। और दोस्तों उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स होंगे टेक के, वो भी मुझे ये सजेस्ट करता रहेगा। तो दोस्तों इस हिसाब से देखें तो फीडली बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, और दोस्तों खास करके यूट्यूबर्स के लिए भी, क्योंकि उनको आर्टिकल्स सर्च करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है दोस्तों। 5th नंबर पर जो साइट आती है वो है करप्टा फाइल दोस्तों। आपको नाम से समझ तो आ ही गया होगा कि इसका यूज़ क्या है दोस्तों। मान लीजिए अगर आप अपने असाइनमेंट करते हुए बोर हो गए हैं, या अपने ऑफिस के काम से परेशान हो गए हैं और थोड़ा सा रेस्ट चाहते हैं, तो दोस्तों इस फाइल का, इस साइट का यूज़ आप कर सकते हैं दोस्तों। आपको करना क्या है, जो भी फाइल आपको अपने टीचर या बॉस को सेंड करनी है उसको आप इस साइट पर अपलोड कर दीजिए दोस्तों। ये साइट आपको फिर उसका करप्टेड वर्जन बना के दे देगी दोस्तों। फिर उस करप्टेड वर्जन को आप अपने टीचर या बॉस, जिसको भी आप सेंड करना चाहते हैं, उसके पास सेंड कर दीजिए। और दोस्तों उससे आप ये कह दीजिएगा कि सर मेरे सिस्टम में तो ये फाइल ओपन हो रही है, बट हो सकता है आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगी या प्रॉपर ऐप नहीं होगा इसको खोलने के लिए। तो दोस्तों आप कुछ देर के लिए इससे बच जाएंगे, बट दोस्तों हर बार आप इसका यूज़ मत करिएगा। मैं चाहता हूँ कि अगली बार आपका काम सही टाइम पे पूरा हो जाए और आप हमेशा इसका यूज़ ना करें दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस थोड़ी सी स्मार्ट हो जाए, और तो दोस्तों मैंने उसके लिए ये वीडियो बनाया है। मैं ये नहीं चाहता कि आप हमेशा इसको यूज़ करें, क्योंकि दोस्तों मैं आपका दुश्मन नहीं, आपका दोस्त हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप लोग लेज़ी बन जाओ और अपना काम खुद ना कर पाओ, अपने काम से बचो। मैं चाहता हूँ कि आप अपना काम टाइम पे कर लो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है दोस्तों। मैं आपको ये फाइल ओपन करके दिखा देता हूँ दोस्तों, ये ओपन नहीं हो रही दोस्तों। 4th नंबर पर जो साइट आती है उसका नाम है व्हाट द फॉन्ट। गाइस आप लोग कई बार ऐसे फॉन्ट देखते होंगे जो आप लोगों को बहुत पसंद आ जाते हैं। मान लीजिए आप मार्केट में गए हैं, तो वहाँ पे किसी बैनर पे जो फॉन्ट लिखा है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है, या आपने, या किसी ने आपको कोई कार्ड दिया है उस पर जो फॉन्ट लिखा है वो आपको कई बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। बट दोस्तों आपको उस फॉन्ट का नाम नहीं पता होता, तो आप उसे यूज़ नहीं कर पाते दोस्तों। इस साइट की मदद से आपको उस फॉन्ट का नाम भी पता चल जाएगा, बस आपको उस फॉन्ट की फ़ोटो क्लिक करनी है और उसे इस साइट पर अपलोड कर देना है दोस्तों। साइट पर अपलोड करते ही ये साइट आपको बता देगी कि फॉन्ट का नाम क्या है, तो फिर दोस्तों उस फॉन्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये साइट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हम लोग के लिए। इसकी आदत है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, मेरे सर पर झटका लगता है, मेरे सर दर्द होने लगता है। सर बता देता है। हाँ गिरा तो सर ऐसे नहीं हुआ। ऐसे तो मैंने नहीं किया, सर तो पकड़ा हुआ था ना। सर तो यार पकड़ा हुआ था। जब भी सर पकड़े होते ना। जब छोड़ा तब तो आराम से गया था। हाँ आराम से गया। यहाँ से उससे ज़्यादा तो तुम सोफे पर कूद कूद के उतना झटका लगता है दोस्तों।
हमारी लिस्ट में नंबर थर्ड पे आती है फायरफॉक्स सेंड। दोस्तों फायरफॉक्स सेंड एक बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है। मान लीजिए अगर आपको किसी दोस्त को फाइल शेयर करनी है और आप चाहते हैं कि फ़ाइल की क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़े, तो फ्रेंड्स फायरफॉक्स सेंड यूज़ करिए। दोस्तों इसके लिए आपको साइनअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको फायरफॉक्स सेंड की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर अपनी फ़ाइल अपलोड कर देनी है। दोस्तों ये देखिए, दोस्तों मैंने ये फ़ाइल अपलोड कर दी थी यहाँ पे। और दोस्तों फाइल अपलोड जब आप कर देंगे तो उसके बाद वो फाइल प्रोसेस होगी और दोस्तों उस फाइल का एक लिंक बन जाएगा। दोस्तों आप चाहे तो उस फाइल के लिंक को किसी को भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए मुझे अपने एक कॉन्टेक्ट को शेयर करना है, दोस्तों मैंने इसे ये फ़ाइल शेयर कर दी दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि उसने जैसे ही फाइल की लिंक पर क्लिक किया तुरंत डाउनलोड स्टार्ट हो गया। ये देखिए दोस्तों डाउनलोड हो रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये साइट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही आराम से आप शेयरिंग कर सकते हैं। दोस्तों सेकंड नंबर पर जो साइट आती है उसका नाम है कैन यू रन इट। दोस्तों ये साइट बेसिकली गेमर्स के लिए है। हर किसी के पास डिफरेंट स्पेक्स वाला पीसी है या लैपटॉप है, तो जब भी कोई नया गेम लॉन्च होता है तो हर कोई यही डिस्कस करने लगता है कि उसका सिस्टम ये गेम सपोर्ट करेगा कि नहीं, या उसको सिस्टम अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये साइट उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। दोस्तों मान लीजिए ये गेम है GTA 5 और आपको चेक करना कि आपका सिस्टम इसको सपोर्ट करता है कि नहीं, तो दोस्तों बस आपको अपने सिस्टम से ये साइट खोलनी है और उसमें GTA 5 गेम सर्च करना है। दोस्तों ये देखिए मैंने यहाँ सर्च किया और दोस्तों मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो है इस गेम की आप देख सकते हैं कि वहाँ पे CPU स्पीड और RAM, OS और फ्री डिस्क स्पेस और वीडियो कार्ड, उन सब पे ग्रीन टिक लगाए। ग्रीन टिक का मतलब है कि मेरा जो सिस्टम है वो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहा है। दोस्तों ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी ख़राब बने, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ही अच्छे से नहीं बन पाई है, तो दोस्तों उसके लिए सॉरी दोस्तों। और आप इसमें रिकमेंडेड सेटिंग्स भी देख सकते हैं जो इन लोगों ने खुद रिकमेंड की हुई है, जिससे गेम आप हाई सेटिंग्स पे खेल सकते हैं। दोस्तों उसमें भी मेरा जो सिस्टम है उसमें हर जगह पे ग्रीन टिक था, बस CPU स्पीड में इन लोगों यहाँ पे ग्रीन टिक नहीं था, वहाँ पे आई का वो आइकन दिखा रहा था, इसका मतलब मुझे अपनी CPU स्पीड अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और दोस्तों मैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर के डिटेल्स भी देख सकता हूँ। दोस्तों ये तो नॉर्मल डिटेल्स थी, आप चाहे तो एडवांस डिटेल भी देख सकते हैं, उसमें आपको अपने कंप्यूटर की हर चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। दोस्तों ये ऐप, ये साइट आपको अपने लैपटॉप पर चलने वाले सारे गेम्स की इंफॉर्मेशन दे देती है। और दोस्तों ये यंगस्टर के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। दोस्तों आप गेम लिस्ट में जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से गेम आप कौन कौन से गेम की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आपका सिस्टम मीट कर रहा है, और ये भी देख सकते हैं कि उसकी रिकमेंडेड जो सेटिंग्स है वो आपका सिस्टम मीट कर रहा है या नहीं। दोस्तों हमारी लिस्ट पे नंबर 1 पे जो साइट आती है उसका नाम है अबाउट मी। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं अपने बारे में सोशल मीडिया पर, बट दोस्तों सोशल मीडिया पर उतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती, तो इस साइट से आप अपना एक होम पेज बना सकते हैं और उसके URL को अपने सोशल मीडिया साइट पर ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके वजह से आपको इन्फॉर्मेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने साइट पे, आप बस सिंपली अपने होम पेज का URL वहाँ पे डाल दीजिए और जो भी आपके बारे में जानना चाहेगा या आपकी बायो देखना चाहेगा वो बस उस URL पे क्लिक करेगा और वो URL उसको आपके इस होम पेज तक डायरेक्ट कर देगा और वहाँ से कोई भी आपके बारे में जान सकता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपना एक होम पेज बनाया है और मैं चाहूँ तो इसका URL किसी से भी शेयर कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इंस्टा पे लगा सकता हूँ, ट्विटर पे लगा सकता हूँ, फेसबुक पे लगा सकता हूँ, व्हाट्सएप पे लगा सकता हूँ, कहीं भी लगा सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी। तो दोस्तों आप भी ऐसा कर सकते हैं
दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका यूट्यूब चैनल या और भी कुछ है तो आप अपने तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि लोग इस यूआरएल के थ्रू सीधे आपके यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं। दोस्तों, मैं ये करके दिखाता हूँ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।